लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। अब तक आपने देखा कि राजा रांचो और सरदारजी के भेस में इंस्पेक्टर तेजा की तलाश में निकलते हैं। उधर अदृश्य बोंगो अपने विदेशी दोस्त के साथ हिंदुस्तान की तबाही का षड्यंत्र करता है। ग्रीन कोट क्लब के अंदर राजा इंस्पेक्टर यानी मक्खन सिंह को बताता है कि यही बोंगो का आदमी तेजा है और तुम्हें उसके करीब जाकर बोंगो का पता लगाना है। तेजा के पास पहुंचकर मक्खन सिंह रांचो को तेजा के साथ ताश खेलने बिठा देता है। तेजा हेराफेरी से पत्ते पलटकर अपनी जीत बताता है, मगर रांचो अदृश्य राजा की मदद से बाजी जीत जाता है। अपना बदला लेने के लिए तेजा मक्खन सिंह को बिलियर्ड्स खेलने के लिए आमंत्रित करता है, जहां मक्खन सिंह अदृश्य राजा की सहायता से अपने खेल का जलवा दिखाता है। अब आगे। ओ तेजा, अब तेरी बारी है खेल। What's happening? What the hell is going on? ये बेमानी है, ये चीटिंग है। अरे ये चीटिंग नहीं है, टीचिंग है। मेरा कहने का मतलब है ये खेड़ है, खेड़। और इस खेड़ को सब लोग देख रहे हैं, इसमें चीटिंग क्या है। अब आई मेरी बारी, अब तू रख 2 लाख तैयार, अब हम खेलेगा और देख कमाल मेरा। 2 लाख मिलेगा? हाँ, मगर बाद में। नहीं अच्छा, अब तू वो लाल गुड़ी। हाँ उस पर। हाँ जी, लो जी, बल्ले बल्ले बड़े कर देने या, वो दे अंदर। डंडा कुछ छोटा पै रहा। देख सज्जे सज्जे फड़ ले। अब दूसरे को उसके ऊपर रख। हाँ जी, मैं खड़ा हूँ पीछे। ओए, तू उसपे हाथ डाल दिया। कोई बात नहीं, तेरे को नहीं पता मेरे साथ मालिक है। मालिक मार लियो। हाँ ए, ए। मालिक चला ले। हाँ आ। वो तो कमाल हो गया, कमाल हो गया, वाह वाह मजा आ गया। मालिक थैंक यू। ओए तेजा, अब बाजी में जीत गया, कट 2 लाख रुपए। पैसा कोई भागा नहीं जा रहा मक्खन सिंह, पैसा तुम्हें मिल जाएगा। इट वॉज माई बैड लक, तुम जीत गए। लेकिन अब एक आखिरी शर्त, तुम्हें मुझसे पंजा लड़ाना है मक्खन सिंह। और अगर तुम जीत गए तो यकीनन 2 लाख की जगह 4 लाख दूंगा। 4 लाख पंजा लड़ाने में? वो तू मक्खन सिंह के साथ पंजा लड़ाएगा है? ओ तेरे नाल तो साड़ी ये कुड़ी पंजा लड़ाएगी। हाँ कुड़िये। नहीं कोई गल नहीं, लड़ा ला इसका पंजा और कर दे इनू गंजा। फड़ लो छड़े ना इनू, आज इनू गंजा करके छड़ना। वाह
जी मजबूती ना बढ़ो बाजी मजबूती ओए नहीं लेरा जी फास्ट लेरा जी जोर लाओ लेरा जी कमर कमर तेजा तेजा से लेरा जी थोड़ा जोर लाओ ओ मालिक हाँ मजा आ गया लियोरा कमर लियोरा जी लियोरा अरे वाह बढ़िया लियोरा ओ मालको जरा कुछ करो लगो लगो जरा सुना कर वाह मालको लियोरा छकड़ा ली अरे की कर रहे हो लियोरा जी जो कमर तेजा तेजा से कमर अब बढ़िया लियोरा अजय बदो लियोरा हाँ छकड़ा ली लूँ कर दिया करते हैं ले ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੰਜਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਤੇਜਾ ਆਪਣੇ 4 ਲੱਖ ਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਬੈਠ ਜਾ डॉक्टर बोंगो का पता बता दे मुझे नहीं पता तुम मुझे नहीं देख सकते थे जा मेरा नाम है राजा बहुत सिर फिरा हूं सिर्फ 3 तक गिनूंगा अगर तुमने मुझे डॉक्टर बोंगो का पता नहीं बताया तो गोली से उड़ा दूंगा गोली मत चलाना नहीं 1 नहीं गोली मत चलाना मारना मत नहीं 2 गोली मत मारना मुझे कुछ नहीं पता है खन, मालो, मैं देखता हूँ कौन है उधर। जा, बता जा। भाग गया जलील आदमी लेकिन कब तक भागेगा डॉक्टर बोंगो राजा तुझे छोड़ेगा नहीं ओ मालको कितने हो तुसी मालको पता लग गया है मालको कितने हो तुसी मैं यहाँ वो मक्खन से की तरह बाजू इधर आ जी बोंगो का पता मिल गया तेजा ने बताया बोंगो का मटाई लैंड के किले में है अच्छा वेरी गुड इंस्पेक्टर बिहारी बोंगो आ रहा हूं मैं तेरा किला भेजने के लिए एक मामूली सा डिटेक्टिव डॉक्टर बोंगो से टक्कर ले मार डालूंगा अगर बोलिए मालिक मुझे राजा चाहिए मुर्दा समझ लो काम हो गया वेरी गुड ढूंढ निकालो उसे जहां भी हो मैं जानता हूं कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो आप बेफिक्र रहो 1 घंटे के अंदर राजा यहाँ आपके सामने होगा वेरी गुड एक बार राजा मेरे रास्ते से हट जाए तो आज का काम आसान हो सकता है कल की खबर मैं आज दे सकता हूँ कुछ VIP मारे गए सिर्फ 3 घूंट बाकी है और अभी हमें बोंगो का सामना भी करना है मतलब ये कि ये सिर्फ 6 घंटे तक तुम्हें अदृश्य बनाए रखे यस सर बोंगो तक पहुंचने में हम जितनी देर लगाएंगे मौत हमारे उतने ही नजदीक होगी दैट्स राइट क्योंकि तेजा जो बोंगो का खास आदमी था जो कि तुम्हारी वजह से मरा इसलिए बोंगो के सबसे बड़े दुश्मन शायद तुम सर इस टाप में तो केवल एक ही किला है अगर एक ही किला है तो वही डॉक्टर बोंगो का है
प्लान ऑफ एक्शन क्या है? सर आपको मेरे मैसेज के लिए वेट करना होगा। तुम्हें क्या लगता है हम कितने आदमियों का सामना कर रहे हैं? वेल सर, क्योंकि बोंगो ने अपना अड्डा किले में बनाया है तो मेरे ख्याल से कम अज कम 500 लोगों की फौज होगी। आज शहर में हो रही वीवीआईपी मीटिंग में आधा फोर्स लगा हुआ है। खैर, मैं मैनेज कर लूंगा। पहले मैं, रेंचो और बिहारी वहां घुसेंगे। बिहारी वहां पहुंचकर वायरलेस से आपको यह मैसेज दे देगा कि वहां की स्थिति कैसी है और फोर्स कब भेजनी है। यहां से तुम्हें सीधा हेलीपैड जाना है। फोर्स से 3 किलोमीटर पहले पुलिस का हेलीकॉप्टर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। वहां से तुम्हें किले तक पैदल जाना है। राइट सर, लेट्स मूव। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। गुड लक। आओ रेंचो, आओ बिहारी। राजा साहब, इस सोल्यूशन के दो घुट और पी लेने थे, कहीं उन लोगों ने देख लिया तो डेंजर हो सकता है। बिहारी, सोल्यूशन की जरूरत हमें यहाँ नहीं, वहाँ किले पर होगी। समझ गए तुम? हट जा बिहारी। इंस्पेक्टर बिहारी। यस सर। आप जरा मेरी प्लानिंग ध्यान से सुन लो। यस सर। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मीटिंग ठीक 3 o'clock शुरू होगी। वीआईपीज़ को भेजे सर्कुलर के मुताबिक सभी को वहाँ 2:30 पहुँचना है। मुझे भी? क्योंकि ठीक 2:45 पर बिल्डिंग के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। बिल्डिंग के दरवाजे बंद होने पर ना तो कोई बाहर से अंदर आ सकेगा और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकेगा। ब्लास्ट के बाद मैं बाहर कैसे निकलूंगा? मैंने क्या कहा था बोंगो, काम इतना आसान नहीं है। लेकिन एक ही रास्ता है कि ब्लास्ट होने के बाद तक तुम्हें बिल्डिंग में रुकना होगा। जाहिर है ब्लास्ट के बाद रेस्क्यू टीम्स उन्हें बचाने अंदर जाएगी और मैं बाहर आऊंगा। प्रोफेसर को लेकर हम तुम्हारा इंतजार हमारी उस सीक्रेट हवाई पट्टी पर करेंगे। तुम्हारे आते ही हम निकल चलेंगे। यहाँ सारा देश दहशत में होगा और हम वहां होनोलुलु में जश्न मना रहे होंगे। ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है? लगता है डमरू की आवाज। साहिबान, किरदान, मेहरबान, थूक दान, पान दान, पीक दान, अगर इंचुस्ता जरा खेल तमाशा हो जाए। हाँ जी, रुक जा वहीं पर। अरे उस्ताद, देख कितने बड़े बड़े साहब लोग हैं। बड़े साहब लोगों के लिए बड़ा खेल तमाशा होना चाहिए, करिश्मा होना चाहिए। जाना था यार, बता रही है बेचारा, तमाशा दिखाएगा चला जाएगा। खेल दिखाएगा, तमाशा दिखाएगा, ऐसा हंगामा आपके सामने करेगा, आप भी याद करेगा। बंगाल का काला जादू दिखाएगा, दिखाएगा जी हाँ। चेक काली कलकत्ते वाली, तेरा बच्चन न जाए खाली, योग्यता वाली, गीता वाली, शाहरुख खान की साली, आपको ये जादू दिखाएगा। ऐसा जादू हवा में उड़ के बताएगा, बताएगा, बताएगा आपको ये रेंचो उस्ताद, हवा में उड़ के बताएगा। तो हो जाए शुरू रेंचो उस्ताद, दिखा दे सब लोगों को बड़ा बड़ा खेल, उड़कर दिखाएगा। सुना? वे तो सच में उड़ रहा है। राजा साहब, ये जादू हमारे रेंचो उस्ताद का। क्या बोला था साहिबान कि रेंचो उस्ताद हवा में उड़ के बताएगा? उसने हवा में उड़ के आपको बताया। अब ये रेंचो उस्ताद आपके कंधे में बैठ के बताएगा। क्यों रेंचो उस्ताद साहिबान के कंधे में बैठ के बताएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बताएगा। क्या कहा? नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? उसे बंदूक नीचे रखने को कहो। अरे साहिबान, आपके कंधे में ये जो बंदूक है इसे नीचे रखो, ये जानवर डर जाता है। ये रखो। हाँ जी साहिबान, अब ये रेंचो उस्ताद आपके कंधे में बैठ के बताएगा।
रेंचो सर। साहिबान, बंगाल का जादू खत्म, फ्री का शो था, शो खत्म हो गया। चलो बिहारी, नो मस्ती, अंदर चलो जल्दी, टाइम बहुत कम है। अरे राजा साहब, हम ही भूल जाते हैं कि आप हमारे साथ ही हैं। चलो रेंचो चलते हैं। राजा साहब, आपने तो वाकई बंगाल का जादू दिखाई दिया, अब हमारा बिहार का जादू देखो। बिहारी, अरे राजा साहब, आप यहाँ हैं? हम कनक आज का दुश्मन अनाज का। चलो बिहारी चलो। हाँ यस सर। डॉक्टर बंगो, ये बम बहुत ही खतरनाक है, इसे खास तौर से यूरेनियम डस्ट से बनाया गया है। ओ आई सी। जिस कमरे में मीटिंग चल रही होगी वहाँ इसे ले जाकर तुम रखोगे, क्योंकि तुम किसी को नजर ही नहीं आओगे। फिर इस रिमोट को दबाकर बम उड़ा दो, उसके बाद सारी बिल्डिंग रेत की महल की तरह दिखा दो। वैसे इस रिमोट के दबाने के कितनी देर के बाद ये बम फटेगा? सिर्फ 5 मिनट, और तुम सिर्फ 5 मिनट के अंदर 20 मीटर तक ही जा सकते हो। 5 मिनट और सिर्फ 20 मीटर? ओनली 20 मीटर? यस सर। मिस्टर बांगो, अगर आपको डर लग रहा है ना, तो आप अपने किसी आदमी को ये सोल्यूशन बुला दीजिए और भेज दीजिए। देखो मिस्टर डिसूजा, ये डर वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, समझे? Try to understand, Dr. Bongo, try to understand. Dr. Bongo, please, Dr. Bongo, इसे मत खेलिए, बम उड़ जाएगा, हम सब मारे जाएंगे। Dr. Bongo, please, छोड़ दीजिए। Dr. Bongo, ये क्या कर रहे हैं? Dr. Bongo, ये फट जाएगा, Bongo, ये फट जाएगा, हम मर जाएंगे सब। तुमने तो कहा था कि ये 5 मिनट में फटेगा, अभी तो कुछ सेकंड्स ही हुए हैं। अब मुझे ये बताओ, डरपोक तुम हो या मैं? हुँ।